आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को दिया विभाग, अमित शाह को गृह और राजनाथ को मिला रक्षा मंत्रालय। मोदी ने दिया तोमर को कृषि, प्रहलाद पटेल को मिला पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। किसान और कांग्रेसियों पर दर्ज मामले वापस लेगी कमलनाथ सरकार, सपा बसपा नेता भी होंगे मुकदमे फ्री। गर्मी ने बिगाड़े हाल, इंदौर में दो जगह आगजनी की घटनाएं, आधा शहर रहा अंधेरे में। और बस्तर के शेर महेंद्र कर्मा की प्रतिमा का अनावरण, नक्सलियों ने की थी महेंद्र कर्मा की हत्या। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय और अमित शाह को गृह मंत्रालय और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। गुरुवार को पीएम मोदी के अलावा मंत्रिमंडल में 57 मंत्रियों द्वारा शपथ ली गई थी। वहीं शुक्रवार को उन्होंने सभी मंत्रियों का कार्य विभाजन कर दिया गया है। मंत्रिमंडल में 24 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, वहीं 9 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, पॉलिसी इश्यू सहित अन्य विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए उनके पास रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं के कद और समझ के हिसाब से उनको मंत्रालयों का जिम्मा सौंप दिया है। मंत्रिमंडल में सबसे अहम रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को, गृह मंत्रालय अमित शाह को, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण को, परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी को, रासायनिक मंत्रालय डीवी सदानंद गौड़ा को, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय रामविलास पासवान को, कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर को, न्याय एवं विधि मंत्रालय रविशंकर प्रसाद को दिया है। विभागों के वितरण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कौशल साफ नजर आया है। प्रधानमंत्री ने हरसिमरत कौर बादल को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, थावरचंद गहलोत को सामाजिक न्याय विभाग, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, रमेश पोखरियाल निशंक को मानव संसाधन मंत्रालय, अर्जुन मुंडा को अनुसूचित जनजाति मंत्रालय, स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रकाश जावड़ेकर को ऊर्जा, वन, सूचना प्रसारण मंत्रालय, पीयूष गोयल को रेलवे मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम मंत्रालय, मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मंत्रालय, प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य मंत्रालय, महेंद्र नाथ पंड्या को कौशल विकास मंत्रालय, अरविंद सावंत को भारी उद्योग मंत्रालय, गिरिराज सिंह को पशुपालन मंत्रालय, गजेंद्र शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई कैबिनेट के विभागों का बंटवारा कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर को देश का नया कृषि मंत्री बनाया गया है। कृषि मंत्रालय के अलावा तोमर के पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थावरचंद गहलोत का विभाग नहीं बदला गया है, उन्हें एक बार फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा प्रहलाद सिंह पटेल को पहली बार मोदी की नई टीम इंडिया का हिस्सा बनाया गया है, उन्हें पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते को स्टील मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। एनडीए 2 सरकार में मध्य प्रदेश के अनुभवी चेहरों को शामिल कर सियासी, जातिगत और भौगोलिक संतुलन बैठाने की कोशिश है। चंबल ग्वालियर से सवर्ण नेता नरेंद्र सिंह तोमर बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले, ओबीसी नेता प्रहलाद पटेल महाकौशल से आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते और अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेता थावरचंद गहलोत को मालवांचल के प्रतिनिधि के रूप में मोदी कैबिनेट में स्थान मिला है।
संख्या के नजरिए से देखा जाए तो पिछली सरकार में मध्य प्रदेश से 5 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व के लिहाज से नुकसान हुआ है। हालांकि शपथ लेने वाले मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। इस लिहाज से 4 मंत्री एनडीए 2 में शामिल हुए हैं। मोदी सरकार में पिछली बार उमा भारती सहित सुषमा स्वराज, नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मंत्री थे। अनिल माधव दवे के निधन के बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को कैबिनेट में लिया गया था। इसी तरह मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे एम जे अकबर, प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान भी मोदी सरकार में शामिल रहे हैं। भाजपा ने प्रदेश में संतुलन बैठाने की कोशिश तो की, लेकिन ब्राह्मण वर्ग उपेक्षित रहा। प्रदेश में भाजपा के पास इस वर्ग के नेताओं का टोटा हो गया है। नरेंद्र सिंह तोमर पिछले 5 साल से मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ संसदीय कार्य का भी प्रभार रहा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सफलता का श्रेय तोमर को मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहने के साथ ही तोमर मध्य प्रदेश भाजपा के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय महासचिव के साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं। पार्टी में तोमर की संगठन क्षमता का लोहा माना जाता है। थावरचंद गहलोत देश में भाजपा के सशक्त दलित चेहरे के रूप में पहचाने जाते हैं। वे पिछले 1 दशक से हाईकमान के करीब रहे हैं। 5 बार से लगातार संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। 1996 से 2009 तक शाजापुर सीट से 5 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। फिलहाल वे राज्यसभा सदस्य हैं। सामाजिक न्याय मंत्री के रूप में SC/ST एक्ट में संशोधन करने का श्रेय भी गहलोत को जाता है। राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए उत्तरांचल सहित अन्य राज्यों के प्रभारी रहे हैं। प्रहलाद पटेल प्रदेश में OBC वर्ग का बड़ा चेहरा है। अब तक अलग अलग 3 सीटों से 4थी बार सांसद बने हैं। मूल रूप से महाकौशल के गोटे गांव निवासी पटेल ने पहला चुनाव 1979 में सिवनी लोकसभा सीट से जीता था। इसके बाद 1999 में बालाघाट से लोकसभा सदस्य रहे। 2004 में पटेल ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर कांग्रेस नेता कमलनाथ को कड़ी चुनौती दी थी। पिछला चुनाव 2014 में पटेल को बुंदेलखंड की दमोह सीट से लड़वाया गया था। इस बार वे दूसरी बार दमोह से सांसद चुने गए हैं। प्रहलाद पटेल अटल सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। लोधी जाति के पटेल पिछली सरकार में भी मंत्री पद की दौड़ में थे, लेकिन इसी वर्ग की उमा भारती के केंद्र में मंत्री होने के कारण अन्य किसी भी ओबीसी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया था। आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला सीट से 6वीं बार लोकसभा सदस्य चुने गए हैं। अटल सरकार में 1999 में पहली बार कुलस्ते को राज्य मंत्री बनाया गया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी कुलस्ते मंत्री बनाए गए थे, लेकिन विस्तार में हटा दिए गए थे। 1996 में पहली बार लोकसभा सदस्य बने कुलस्ते 2009 में एक बार चुनाव हार गए थे। कुलस्ते भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए पहले तो किसान कर्ज माफी का कार्ड चला और अब 7,000 किसानों के मुकदमे वापस लेने की बात कह रही है। साथ ही कांग्रेसी अपने सहयोगी दल सपा बसपा के कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान कर दिया है। 3 जून को होने वाली बैठक में ड्राफ्ट गृह और कानून विभाग रखेगा। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बीते 15 सालों में किसानों सहित राजनीतिक दलों पर धरना प्रदर्शन के दौरान लगे प्रकरण वापस लेने की कवायद तेज कर दी है। 3 जून को होने वाली बैठक में ड्राफ्ट गृह और कानून विभाग रखेगा। किसानों के मुकदमे वापस लेने पर कानून मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है। 7,000 किसानों पर अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं, जो वापस लिए जाएंगे और किसानों की केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 7,000 किसानों पर बीजेपी शासन में अलग अलग मामले दर्ज थे। कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि किसानों पर लगे प्रकरण वापस लेने सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही पिछली कैबिनेट में किसानों की कर्ज माफी सहित किसानों को आर्थिक सहायता कैसे दी जाए, इस पर भी चर्चा की गई थी। कांग्रेस सरकार हर हाल में किसानों की हालत सुधारने की कोशिश कर रही है। 7,000 किसानों पर अलग अलग जिलों के अंदर केस दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में हजारों किसानों ने आत्महत्या की, उन पर गोली मंदसौर में चलाई गई है।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा कि इनका 2 लाख तक का ऋण कांग्रेस की सरकार बनी तो माफ़ करेंगे। 1 घंटे के अंदर शपथ लेने के बाद कमलनाथ जी ने 55 लाख किसानों के कर्जा माफ में दस्तखत किए। लोकसभा चुनाव के पहले 21 लाख किसानों के ऋण माफ़ी हो गई थी, जिसके सब जगह इसके सबूत हर चीज़ वायरल हो गई है। हम जिस जिले में भी गए चुनाव में, पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ 40% किसानों के कर्ज माफ़ हो गए हैं और बाकी को मैसेज आ गया कि चुनाव के बाद आचार संहिता के बाद ये बाकी माफ़ हो जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। वो 9 किसानों के अकाउंट में ऋण माफ हो रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो किसान हैं उनको अलग अलग उनका जो उनको अलग से भी सहायता की जाएगी, ये उन्होंने कल ही अपने स्टेटमेंट में कहा है। जो नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाने वाले बस्तर के जुझारू नेता महेंद्र कर्मा की मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया है। महेंद्र कर्मा वही नेता हैं जो नक्सली हमले में शहीद हुए थे। नक्सलवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने वाले बस्तर के नेता महेंद्र कर्मा की मूर्ति का अनावरण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जगदलपुर में किया। मुख्यमंत्री ने महेंद्र कर्मा को बस्तर का टाइगर बताते हुए कहा कि कर्मा ने लोकहित में नक्सलवादियों के खिलाफ बड़ी और लंबी लड़ाई लड़ी। नक्सलवादियों ने उनकी हत्या जरूर कर दी, लेकिन महेंद्र कर्मा द्वारा शुरू की गई लड़ाई जारी रहेगी। बघेल ने कहा कि कर्मा के हत्यारों को सजा दिलाने तक हमारे प्रयास जारी रहेंगे। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस के बड़े नेता महेंद्र कर्मा एक बड़े नक्सली हमले में मारे गए थे। नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा की हत्या झीरम हमले में 25 मई 2013 को कर दी थी। महेंद्र कर्मा की हत्या के बाद उनकी पत्नी देवती कर्मा दंतेवाड़ा से चुनाव जीती थी। कर्मा की मूर्ति के अनावरण के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। पुलिस एक नाबालिग लड़की की तलाश कितनी शिद्दत से कर रही थी, इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब उसी नाबालिग लड़की की शादी का रिसेप्शन थाने से महज कुछ ही दूरी पर नगर पालिका के मंगल भवन में चल रहा था और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। हद तो तब हुई जब लड़की के घर वालों को पता चला और पुलिस को सूचना दी, तब कहीं जाकर पुलिस हरकत में आई। अब कहा तो यही जाएगा कि मध्य प्रदेश की पुलिस वाकई गजब है और सबसे अजब है। पुलिस जिस नाबालिग लड़की की पिछले कई दिनों से तलाश कर रही थी, उसी नाबालिग की शादी का रिसेप्शन धूमधाम से हो रहा था। हैरानी की बात यह है कि नगर पालिका का मंगल भवन बुक किया गया था, शादी और रिसेप्शन के कार्ड छपे और पूरे गांव में बटे, लेकिन ना तो घर वालों को पता चला और ना ही पुलिस वालों को। अब धूमधाम से रिसेप्शन हो रहा था और लोग दुल्हन बनी खड़ी नाबालिग को आशीर्वाद भी दे रहे थे, तो गांव के ही किसी व्यक्ति ने घर वालों को उनकी बेटी के बारे में बताया और जब घर वाले पहुंचे तो पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस लड़का और लड़की को थाने ले गई। अब पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कर रही है। आपको बता दें कि मामला गाडरवारा थाने का है, जहां सुब्बा बाई ने अपनी नाबालिग लड़की के गुमशुदगी की 7 मई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पर 10 दिनों तक लड़की का कुछ पता नहीं चला। सवाल यही उठता है कि पुलिस लड़कियों की गुमशुदगी को कितनी गंभीरता से लेती है और उनको तलाशने के क्या प्रयास करती है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंदौर में होटल बाबा पैलेस में अचानक भीषण आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग होटल के नीचे कपड़े की दुकान में लगी, जिसके बाद आग ने होटल को अपने गिरफ्त में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। शहर के जेल रोड चौराहे के पास स्थित होटल बाबा पैलेस में सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर से होटल में ठहरे लोग खिड़की से निकलकर अपनी जान बचाने में लगे।
आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि होटल के नीचे एक कपड़े की दुकान में आग लग गई थी, जिसके बाद आग की लपटें होटल की पहली मंजिल तक पहुंच गई। होटल में ठहरे लोग घबराकर खिड़की से निकले और पास की बनी इमारत में किसी तरह पहुंच सके। समय रहते आग पर काबू न पाया जाता तो यह भीषण रूप ले सकती थी। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अपनी दरिया दिली से पहचान बनाने वाले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बच्चों को फूल दिए और सेल्फी जोन में जाकर फोटो भी खिंचवाए। उन्होंने कर्मचारियों के बीच जाकर अपील की कि वे धूम्रपान और तंबाकू का सेवन ना करें और ना ही किसी को करने दें, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने हरी झंडी दिखाकर एक रैली को रवाना किया, साथ ही तंबाकू छोड़ने की लोगों से अपील भी की। कहा कि स्वास्थ्य सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार की अहम जरूरत है। जगदलपुर मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया और डिमरा पाल अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। सिगरेट बीड़ी तंबाकू का सेवन करने से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कई गंभीर बीमारियां हो जाती है, इनके सेवन से मौत भी हो सकती है। टीएस सिंहदेव ने बच्चों को फूल दिए और सेल्फी जोन में जाकर फोटो भी खिंचवाई। कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री को अपने बीच पाकर बहुत ज्यादा उत्साहित और खुश नजर आए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि धूम्रपान या तंबाकू से जुड़े पदार्थ का सेवन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय तंबाकू मुक्त परिषद घोषित किए जाएंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सभी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप तंबाकू या इसके किसी भी उत्पाद का सेवन न करें, क्योंकि इसको करने से इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि फेफड़े का कैंसर, टीबी और मुंह का कैंसर इत्यादि। तो हम सब ड्रामा और अन्य माध्यम से सबको ये सूचित कर रहे हैं जन जागरण जैसा कि तंबाकू के उत्पादों को न अपनाए तो अच्छा। रीवा में कानून व्यवस्था कितनी खराब है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक युवक की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम देने के लिए हत्यारे मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। अमिया मोहल्ले में सरेआम बाइक सवार युवकों ने आसिफ अंसारी नामक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अमिया स्थित बड़ी दरगाह के सामने नकाबपोश बाइक सवार युवकों ने अचानक आसिफ अंसारी पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ स्थानीय लोगों द्वारा आरोपियों को रोकने का प्रयास किया गया, आरोपी बाइक छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। टीआई शशिकांत चौरसिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जो पल्सर गाड़ी मिली है उसका रजिस्ट्रेशन से जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। पल्सर मोटरसाइकिल में दो व्यक्ति यहां पर रवैया आए थे, जिन्होंने आसिफ पिता अन्नू अंसारी उम्र करीब 22 साल की हत्या कर दी है चाकू मार करके। मृतक की बॉडी SGMS अस्पताल में भेज दी गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मोटरसाइकिल जो घटनास्थल पर मिली है उसके आधार पे उनकी पहचान की जा रही है, कुछ सुराग मिल गया है उनके बारे में, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर दी जाएगी। पुलिस के लिए आधुनिक जिम बनकर तैयार हो गई है। लालबाग पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर परिसर में बनी नवनिर्मित बिल्डिंग पुलिस परफॉर्मेंस सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। पुलिस परफॉर्मेंस सेंटर लगभग 1 करोड़ की राशि से बना है। लालबाग पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर परिसर में नवनिर्मित पुलिस परफॉर्मेंस सेंटर जो एक आधुनिक जिम है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। पुलिस परफॉर्मेंस सेंटर लगभग 1 करोड़ की राशि से बनाया गया है। यहाँ व्यायाम के लिए अत्याधुनिक मशीन और उपकरण भी लगाए गए हैं। उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने भी मशीन पर वर्जिश की। साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग द्वारा निर्मित किए जा रहे शहीद स्मारक स्थल को वॉर सेमेट्री के नाम से जाना जाएगा के मॉडल का भी अवलोकन किया। यह स्मारक लगभग 150 करोड़ की लागत से बनेगा। यह जगदलपुर शहर के आमागुड़ा चौक के पास बनेगा, जिसमें शहीदों के नाम का उल्लेख किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री कवासी लखमा, मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री व अधिकारी कई मौजूद रहे। मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की खुशी इस कदर है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरागढ़ के चंचल चौराहे पर मोदी मंत्रिमंडल का शपथ समारोह LED स्क्रीन पर लाइव दिखाया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह लाइव देखा।
बैरागढ़ स्थित चंचल चौराहे में मोदी मंत्रिमंडल के शपथ समारोह को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एलईडी की बड़ी स्क्रीन से लाइव दिखाया। खुशी का आलम यह था कि जब मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी के साथ ही मिठाइयां भी बांटी। मोदी मोदी के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी की शपथ समारोह को बड़ी स्क्रीन पर लाइव देखकर लोगों में काफी उत्साह था। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी बड़े जोश में दिखाई दिए। आमजन को भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए बीजेपी मंडल ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। देखिए बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पिछले 5 सालों में सबका साथ सबका विकास की जो बात की थी, जो वादा किया था, जिसमें हर गरीब के पास आवास हो, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा मिले और साथ ही जिस प्रकार से देश को विश्व स्तर पर एक स्थान दिलाया है, जिस प्रकार से देश को गौरव महसूस करवाया है, वैभवशाली बनाया है, मुझे लगता है आज वो स्वप्न जो है हर देशवासी का एक बार फिर से संपूर्ण तरीके से पूर्ण हुआ है और एक बार फिर हम प्रगतिशील देश की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखिए आज भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। इस देश के एकदम मजबूत व्यक्ति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली गई है। निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार देश को आगे बढ़ाने का काम किया, इस देश का स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, विश्व में भारत का नाम ऊपर करने का काम किया, आतंकवाद से जिस प्रकार से मोदी जी लड़े, गरीबों की लड़ाई जिस तरीके से मोदी जी लड़े, निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्ष इस भारत के भाग्य को बदलने वाले होंगे। भारत विश्व का नेतृत्व करने वाला होगा। भारत मजबूत भारत होगा। भारत जो आतंकवाद से मुक्त भारत होगा और हर युवा के हाथ में काम होगा, हर बेरोजगार के हाथ में काम होगा, हर युवा शिक्षित होगा, हर किसान को किसान का अपनी फसल का पूरा मूल्य मिलेगा और निश्चित रूप से आने वाला भारत जो एक हिंदुस्तान के एक आम नागरिक की जो कल्पना है, जिस तरीके के भारत की उनकी कल्पना है, वैसा भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। गर्मी बढ़ रही है तो बिजली की खपत बढ़ रही है और इसी कारण जब लोड बढ़ा तो इंदौर में 132 केवी डीपी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि विद्युत मंडल कार्यालय को जलाकर खाक कर दिया। इसकी वजह से शहर में कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। शहर के पोलो ग्राउंड क्षेत्र में गुरुवार रात विद्युत मंडल कार्यालय में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते बिजली के अनेक उपकरणों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारण लोड बढ़ने से 132 केवी डीपी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। पोलो ग्राउंड क्षेत्र में पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी का प्रधान कार्यालय है, जिसमें आग की वजह से इंदौर शहर में बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई है। लगभग 25% इंदौर की लाइट बंद रही। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही लगी थी 10 करोड़ की लागत से यह डीपी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। अब भैरन समाचार सुनाएंगे आपको जर्जर भोपाली। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई, मौसम तो ऐसा भन्नाट हो रही है, 45 डिग्री पहुंच रही है टेम्परेचर। बता रहा हूँ, अंडा है ना डालो खोपड़ी पे, ऑमलेट बन जाती 2 मिनट में। ऐसा मौसम हो रहा है। वो आज मैं मौसम की खबरों से शुरुआत कर रहा हूँ। ये स्कॉटलैंड में देखो धूप की कमी हो रही है लोगों को। हाँ, वहाँ को विटामिन डी के कैप्सूल लेने पड़ रहे हैं उनको। मैं बता रहा हूँ उनको, टूरिज्म पे यहाँ ले आओ इंडिया में, ऐसे बिलबिलाए जाएंगे। बताएं ओवरडोज हो रहा है हमारा तो विटामिन डी का। हाँ, ये खबर ये देख लो, सिडनी में है ना जल संकट हो रहा है। वहाँ भी नल है ना खुला छोड़ दो, 26,000 तक का जुर्माना लग रहा है। हमारे यहाँ तो ये पाइप फूटे रहते, नल की बात छोड़ो, भलल भलल करके बेहतर रहता है। मैं बता रहा हूँ पानी की इज्जत करो, आगे है ना कैप्सूलों में मिलेगा पानी, बता रहा हूँ। हाँ, वही राहुल गांधी को देख लो, ये बहुत अच्छे एक्टर हो गए आजकल। सोनिया गांधी का मेरे पास फ़ोन आया था, उन्हें बोला मेरे को बहुत मेच्योर हो गए हैं, अब ये परिपक्व हो गए हैं। वो नेता बनने के लिए पहले अभिनेता बनना पड़ता है। वो अभी देखो रूठे रूठे फिर रहे हैं, कभी इसको डांट रहे हैं, कभी उसको डांट रहे हैं, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाह रहे हैं। हाँ, ये चल रहा है, बता दो मेच्योर हो गए भैया आप। हाँ, वही अमित शाह इनको कैलाश विजयवर्गीय को देखो, बुलडोजर लेके है ना पश्चिम बंगाल में घुस गए। बता रहे हैं ऐसी स्वच्छ भारत अभियान 2 शुरू कर दिया इनने, पश्चिम बंगाल से शुरुआत कर दी। 2 TMC के MLA वो 50% तोड़ लिए। अब ममता बनर्जी भुनभुनाती फिर रही है, बता रही हूँ। हाँ, ये तो चल रहा है। वो आप देखो ये WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने ना ऑफिस में ज़्यादा काम करने को जो थकान होती है उसको बीमारी माना है। उसका नाम दिया उन्होंने बर्न आउट।
और मैं बता रहा हूँ देखो बच्चों को यदि 12-12, 14-14 घंटे रगड़ते रहते हो, ये प्राइवेट कंपनी है, मैं इनको बोल दिया हूँ, मैंने इनको थोड़ा राहत दो, बता रही हूँ ये बर्नआउट हो जाएगा बेचारों को। हाँ, ये खबर इधर पे देख लो, जहरीली शराब से 16 लोग मर गए। अब मेरा कहना है कि जो शराब बनाती हैं इनको पिए ले, टेस्ट कराओ, इनके मुँह में है ना दो दो बोटलें ठूसो, तब इनको समझ में आएगा क्या होता है जहरीली शराब बनाना। ये ऐसा तो चल रहा है, और मध्य प्रदेश सरकार तो भैया तबादलों की सरकार हो गई, रोज सुबह खबर आ जाती है तबादला। अब मेरे को समझ नहीं आता इनको और कोई काम नहीं बचा गया, ये दूसरा काम भी तो है कि वह तबादला तबादला। और ये खबर ये देख लो, हमारे जो रजनीकांत जी हैं फिल्म स्टार, ये कह रहे हैं मोदी को एक करिश्माई नेता है, मोदी जी बड़ी तारीफ कर रहे हैं इनकी, बोले नेहरू के समान करिश्माई नेता है। मैं कह रहा हूँ आप तो क्या कम करिश्मे करते हो फिल्मों में, कभी सिगरेट इधर से उछालते हो उधर जाके कान पे आके टिक जाती है, बता रहे हो ये तो चल रहा है, ये से वो अभिनेता है। और मैं भी वही, आप चला कुछ करिश्मा करने। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।